बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसपीएफ का जो रिटन टेस्ट सिलेबस है वो क्या है और कितने सब्जेक्ट्स होंगे और कितने क्वेश्चंस होंगे। टोटल फुल डिटेल इस वीडियो में इंशाल्लाह जानेंगे और इस वीडियो में आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि एसपीएफ की जो रिटन टेस्ट है उसमें टोटल कितने कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट के लिए बैठेंगे, ठीक है, टेस्ट दे पाएंगे। तो उससे पहले अगर आप रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल पे मैंने 19 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, आप वो जाके देख लें। उन लेक्चर्स में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और पास पेपर्स पीटीएस के शेयर किए हैं, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा उसे देखने के बाद। इंशाल्लाह रिटन टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये है सिलेबस कॉन्स्टेबल और लेडीज़ कॉन्स्टेबल का। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज, आपका इंग्लिश लैंग्वेज के टोटल 10 एमसीक्यूज़ होंगे। उसके बाद आपकी होगी जनरल नॉलेज के भी टोटल 10 एमसीक्यूज़ होंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड साइंस, ठीक है, इसके भी टोटल आपके 10 एमसीक्यूज़ होंगे। और रीजनिंग एप्टीट्यूड, इसके भी आपके 10 एमसीक्यूज़ होंगे। और उसके बाद सिंधी और उर्दू, ठीक है, ये मिक्स में टोटल इसके भी 10 होंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से पेपर थोड़ा टफ होगा, तो आपको बहुत अच्छी से प्रिपरेशन करनी है इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आपको कौन से वो मेन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है रिटन टेस्ट के अच्छे प्रिपरेशन करने में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका इंग्लिश जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में आपके प्रीपोजिशंस और एंटोनिम और सिनोनिम आपके आएंगे, ठीक है। तो आपके इंग्लिश प्रीपोजिशन, एंटोनिम एंड सिनोनिम आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस के भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अब क्वेश्चंस होंगे वो होंगे जनरल नॉलेज के, ठीक है। जनरल नॉलेज में अब क्या होगा कि जनरल नॉलेज सिंपल होती है, ठीक है। जनरल नॉलेज में रिवर्स होगी या कुछ और जो भी जनरल क्वेश्चन होते हैं उसमें आपके साथ क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, जो पाकिस्तान स्टडी के हवाले से आपको वो भी क्वेश्चन पढ़ने हैं। पाकिस्तान स्टडी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर टेस्ट के लिए, ठीक है। तो पाकिस्तान स्टडी को आपको बहुत टच करना होगा क्योंकि पाकिस्तान स्टडी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में अब क्या होगा कि मैथमेटिक्स में आपको सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स में वो आपको क्लियर करने हैं। उसके बाद परसेंटेज के भी प्रॉब्लम आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। परसेंटेज भी आ जाता है और परसेंटेज में कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी होते हैं, आपको वो भी क्लियर करने हैं। दोस्तों, मैथ बहुत ही आसान होता है, बस जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन पे और परसेंटेज पे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें आपको आईक्यू के क्वेश्चन दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सीरीज़ वाइज जो होती है आईक्यू, जिसमें अल्फ़ाबेट पे हो सकती है, नंबर्स पे हो सकती है, वर्ड प्रॉब्लम पे हो सकते हैं, ठीक है। तो एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड की भी आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है, इसके भी कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं उर्दू और सिंधी की, ठीक है। ये उर्दू और सिंधी के मिक्सअप में क्वेश्चंस होंगे। उर्दू और सिंधी को भी आपको थोड़ा हल्का सा टच करना है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये भी आ सकते हैं पेपर में। तो दोस्तों, ये था पीटीएस का सिलेबस जो कि आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। अगर आपने ड्राइवर कॉन्स्टेबल के लिए अप्लाई किया है तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये भी यहाँ से सिलेबस दिया गया है, ठीक है, जिसमें जनरल नॉलेज है, मैथमेटिक्स साइंस है, रीजनिंग एप्टीट्यूड है, ड्राइविंग स्किल्स है, ट्रैफिक रूल्स एंड साइंस एंड सिंबल्स है, ठीक है। ये ड्राइवर कॉन्स्टेबल का सिलेबस है, ठीक है। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट्स टेस्ट देंगे उसकी जो तादाद है वो 23,000 है।